हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है टेक फैक। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ सैमसंग की तरफ से आने वाली एक टैब की, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट। इस टैब को काफ़ी अच्छे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो ये रहा दोस्तों सैमसंग की तरफ से आने वाला टैब, मतलब ये नहीं, इसके अंदर है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि आप बॉक्स में देख सकते हैं, जो बॉक्स के ऊपर प्राइस मेंशन है वो है 36,000, पर मुझे ये सैमसंग टैब 32,000 का पड़ा है। ऊपर सैमसंग का नाम दिया गया, नीचे टैब X6 लाइट लिखा गया, साइड में भी उसका नाम लिखा गया, पीछे कुछ स्पेक्स लिखी हैं, पीछे की तरफ लिखा गया कि हमें क्या क्या मिलता है, जैसे एस पेन वगैरह हमें इसके साथ में मिलता है, नीचे की तरफ इसका प्राइस लिखा गया। तो आइए इस बॉक्स को खोलते हैं। अब बॉक्स को ओपन करते ही हमें सबसे पहले अपनी टैब देखने को मिलती है, जो कि कवर में पैक है। इस टैब में हमें सैमसंग की तरफ से दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक तो है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, और जो ये जो नई आई है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट, ये उससे हाफ के प्राइस में आती है। और जो मैंने वेरिएंट लिया है, ये सिम और वाईफाई दोनों इसमें चलेंगे। कुछ वेरिएंट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वाईफाई चलता है, वो आपको 2000 सस्ता, मतलब 30,000 में देखने को मिलेगा, पर मैंने सिम वाला लिया है। और इसकी जो डिस्प्ले है वो एक TFT कैपेसिटी की डिस्प्ले है, 16 मिलियन कलर्स वाली। बैक में हमें सैमसंग का लोगो देखने को मिलता है, स्टिकर उतार देते हैं। बैक में हमें सैमसंग का लोगो, नीचे AKG की ब्रांडिंग, पावर्ड बाय AKG सैमसंग का लोगो, और ऊपर कैमरा देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ हमें बैंड दिए गए हैं, क्योंकि ये सिम वाली ली है इसलिए हमें इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड बैंड देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको कैमरा दिया गया है, जो कि 5 मेगापिक्सल का है। ऊपर की तरफ हमें बैंड देखने को मिलते हैं, हमारा हेडफोन जैक देखने को मिलता है, माइक देखने को मिलता है, और ये स्पीकर देखने को मिलता है। साइड में हमें ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है, वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं, और एक और माइक देखने को मिलता है। और ये है हमारी सिम ट्रे, जिसमें एक सिंगल ट्रे आती है। दूसरे साइड हमें एक और स्पीकर देखने को मिलता है, और साथ में है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। और इसकी दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ एंटीना देखने को मिलते हैं हमें। तो जल्दी से मैं इसे ऑन करके सेट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तब तक मैं आपको इसके कुछ स्पेक्स बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी स्क्रीन 10.4 इंचेस की है। इसमें 4GB की रैम हमें देखने को मिलती है। जो इसमें बैटरी कैपेसिटी है वो 7040 mAh की है। इसमें हमें स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों तरफ दिए गए हैं, और आपको ये वीडियो को देखते समय या कोई भी मूवी देखते समय इस पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बॉक्स में हमें ये छोटा सा एनवलप मिलता है, जिसके एक तरफ सिम इजेक्शन टूल दिया गया है, और बीच में कुछ वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है। और हमें यहाँ देखने को मिलती है USB 2 Type-C चार्जिंग केबल। इसकी जो पावर ब्रिक है, ये एक फास्ट चार्जर है, मतलब 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक 15 वोल्ट फास्ट चार्जर है, टाइप सी केबल जिसके साथ हमें दी गई है। ये रहा इसका पेन, जो कि हमें इसके बॉक्स में ही देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर ये देखिए सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है, और आगे एक स्विच दिया गया है, जिसका फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊँगा। और ये मैग्नेट के थ्रू सैमसंग के साथ साइड में अटैच हो जाता है, और बहुत अच्छे से अटैच होता है। ये देखिए काफ़ी पावरफुल है, मतलब आसानी से गिरेगा नहीं ये आपका। और बॉक्स में देख लेते हैं, और बॉक्स में हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब आते हैं अपनी टैब पर। ये सब चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है, टैबलेट, एक पेन। तो गाइस, ये सब चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है, सैमसंग की टैब, उसका पेन, चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी है, और 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर, सिम इजेक्शन टूल, और कुछ डॉक्यूमेंट्स।